दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर पासबुक है, अकाउंट है, और अगर आपके अकाउंट से मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, तो कैसे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मोबाइल नंबर लिंक होने से आप बहुत सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना हो तो उसको आप निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करना हो तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है या नहीं है, तो उसको भी आप किसी आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाएँगे कि मोबाइल नंबर रजिस्टर है या नहीं है। अगर आपका रजिस्टर है तो फिर आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होने वाला है, और अगर आपका रजिस्टर नहीं है तो कैसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही रजिस्टर करना है, बिल्कुल हम लाइव प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मोबाइल नंबर रजिस्टर है या नहीं है तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की कॉल एप्लीकेशन को ओपन करना है, जहाँ से आप नॉर्मली किसी के पास भी कॉन्टेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, या फिर कॉल आपका रिसीव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है, उसके बाद डायल वाले ऑप्शन में आ जाना है। फिर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैलेंस इंक्वायरी नंबर है, इसको यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है, यही नंबर है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिलअप किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करना है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं, कॉल अभी यहाँ पर हम स्टार्ट कॉल कर लेते हैं, तो इस तरह से आपका कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर फिर कट हो जाता है। ठीक है, और इंस्टेंटली फिर आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर फॉर दिस फैसिलिटी, टू रजिस्टर फॉर SBI क्विक फैसिलिटी सेंड ए SMS, आर इजी अकाउंट नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने इंस्टेंटली मैसेज आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 बार कॉल किया, जो कि हमारे सामने यही मैसेज आ गया। ठीक है, और आपके भी सामने यही मैसेज आने वाला है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप SMS के माध्यम से इंस्टेंटली अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है। मैसेज में आपको क्या लिखना है, कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको इस नंबर को नोट करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको नोट कर लिया हुआ है, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस नंबर को नोट करना है, उसके बाद दोस्तों फिर आपको कॉल ऐप में आ जाना है, फिर से डायल में आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको वही नंबर यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर सेंड ए मैसेज का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से नहीं करना है, अपना मैसेज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन पर पेन का आइकन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आपको वही नंबर दर्ज कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर SMS का जो सेक्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको अब क्या टाइप करना है मैसेज में, तो यहाँ पर हम जो भी टाइप करें उसी को आपको टाइप करना है। इस तरह से REG आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार स्पेस देना है। ठीक है, स्पेस देने के बाद अब यहाँ पर जिस भी अकाउंट से अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना चाहते हैं, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर दर्ज कर देना है। यहाँ पर मैंने स्पेस देकर अपना अकाउंट नंबर को टाइप कर दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से SMS करने का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर मैसेज करने से आपको पहले ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज होना चाहिए, SMS पैक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने अनलिमिटेड करवाया होगा तो उसमें आपको SMS की सुविधा मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरा SMS का रिचार्ज है, तो यहाँ पर हम SMS के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, तो इस तरह से हमारा मैसेज चला जाएगा। और यहाँ पर आपको बस 1 मिनट का इंतज़ार करना है, जो कि यहाँ पर हमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा, और देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर मैसेज आ चुका है, डियर SBI कस्टमर, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर SBI क्विक फैसिलिटी। देख सकते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर आपके अकाउंट से सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपको किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए, तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ, या फिर SMS कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी अब नहीं करना है। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक हुआ या नहीं हुआ है, फिर से आपको कॉल एप्लीकेशन को ओपन करना है, और फिर यहाँ पर आपको अपना बैलेंस इंक्वायरी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है
उससे आपको कॉल करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस नंबर को ही सेव कर लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम दोबारा यहाँ से हम देख सकते हैं इस तरह से हमारा मैसेज आ चुका है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर हमारा टोटल बैलेंस शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों हमारा जो मोबाइल नंबर है हमारे अकाउंट से लिंक हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।